नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, करुणा रेकी मास्टर, एनएलपी ट्रेनर, ईएफटी ट्रेनर एंड सिद्धा हीलर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी इन लाइफ। हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी होनी कितनी आवश्यक है। जब तक हम कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब पहले मैं इसको चीज़ को एक कहानी से समझाती हूँ। एक व्यक्ति था जो 80 साल का था और वो रोज़ अपने आप को इतना फिट रखता था, वो लगता 40 इयर्स का था। और लोग जब उसको देखते थे तो उससे जलन करते थे कि ये 80 साल का आदमी हम 40 साल के लोगों को भी एक कंपटीशन दे रहा है। तो उसकी ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई, पूरे आसपास के नगरों में फैल गई कि दिस इज़ अ मैन ऑफ 80 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ टू फिट एंड परफेक्ट, और उसकी एनर्जी लेवल तो बीट करती है सबको। राजा तक ये खबर पहुंची। जब ये राजा तक ये खबर पहुंची तो राजा ने अपने जो मंत्रीगण थे उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये इतना यंग कैसे रहता है, इसका राज मुझे भी बताओ, मैं भी उसकी तरह से यंग होना चाहता हूँ। तो जो भी राजा ने जिसको भी ये ड्यूटी असाइन करी, वो व्यक्ति उसके पास गया और उसने पूछा, भाई आप ये इतने फिट कैसे हैं, आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, एंड यू लुक लाइक 40 इयर्स ओल्ड मैन, व्हाट आर यू बीन डूइंग इन योर लाइफ। तो उसने बोला कि राजा को मेरे साथ भेज दीजिए और फिर मैं सब राज दूंगा, क्योंकि मैं एक फ्रूट खाता हूँ वहाँ जाके और फ्रूट खा के मैं आता हूँ वो वॉक करके। तो जो व्यक्ति आया था उसको लगा कि ये जो फ्रूट खा रहा है ना, दैट कुड बी द की ऑफ हर हिज एजलेस बॉडी। तो वो जाता है राजा के पास और राजा से बोलता है, मुझे राज मिल गया है, वो एक फ्रूट है जो पहाड़ पे जाके वो लेके आता है और वो खाता है। तो राजा बोलता है, ठीक है चलो मैं भी जाता हूँ उसके साथ, आई विल ऑल्सो स्टार्ट ईटिंग इट। वो राजा उसके साथ चला जाता है। अब जब रास्ते में थोड़ा सा चलता है तो राजा थक जाता है। राजा कहता है, ऐसा करते हैं अपन किसी को भेज देते हैं, वो फ्रूट तोड़ के ला देगा और मैं खा लूँगा। तो वो जो व्यक्ति था 80 ईयर्स ओल्ड बोलता है, नहीं आपको साथ चलना पड़ेगा मेरे साथ, जब तक आप ऊपर नहीं चलोगे तब तक फ्रूट नहीं मिल सकता। ठीक है, राजा बोलता है ठीक है। जब तक प्लेन था वो चलता रहा, लेकिन जैसे ही माउंटेन्स को क्लाइम करना पड़ा तो उसके लिए मुश्किल हो गई है। वो तो बिल्कुल हाँफने लग गया, उसके लिए इतना मुश्किल हो गया कि वो कैसे चढ़ेगा। राजा खैर जैसे तैसे उसको ले गया। राजा से वो बोला कि मैं रोज़ यहाँ ये फ्रूट खाने आता हूँ। जब वहाँ ऊपर पहुँचता तो एक बेर की झाड़ी थी, वहाँ पे छोटे छोटे से बेर लगे थे। तो राजा को आश्चर्य हुआ, ये खाते हो तुम, इसको खा के तुम इतने यंग हो। तो राजा बोलता है, ये तो इसमें तो क्या है, तो नीचे ही मिल जाएंगे। तो व्यक्ति बोला, नहीं, जो मैं रोज़ यहाँ 10 किलोमीटर की वॉक करता हूँ, पहाड़ चढ़ता हूँ, ये जो मेरी कंसिस्टेंसी है यहाँ आने की, उससे जो मेरी बॉडी है, इससे जो मेरी एनर्जी है, वाइटलिटी है, एजिलिटी है, वो उसकी वजह से है। अब राजा को समझ आ गया कि ये सारा राज जो है, जो सीक्रेट है, वो फ्रूट में नहीं है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है सीक्रेट उसमें है। तो लाइफ में हमारे हम एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम उसे कहते हैं साइकोलॉजी में, कि आप हर चमकती वस्तु को लेना चाहते हो। जैसे बच्चा लपकता है, कोई चमकती चीज़ दिखती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वी आर लाइक मंकीज़। कभी हम ये करते हैं, कभी हम वो करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, और हम जीवन में एक चीज़ में कंसिस्टेंटली नहीं चलते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, हम कोई भी रिज़ल्ट नहीं ले सकते। हम प्लान भी नहीं करते, हम रोज़ देखते हैं वीडियो में भी एक सब्जेक्ट को देखने के लिए 10 चैनल्स को सब्सक्राइब कर देते हैं, और जब तक हम एक को पूरी तरीके से अपने लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे, कुछ समय तक कंसिस्टेंसली नहीं करेंगे, तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। हम बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और जब हम ऐसे बिना प्लानिंग के कोई चीज़ में घुस जाते हैं, तो हमारा स्टाफ, अगर हम कहीं कोई हम एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमारा स्टाफ भी कन्फ्यूज हो जाता है दैट वाई दे कीप चेंजिंग एवरीथिंग, और वो रिजल्ट्स भी नहीं दे पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है रिजल्ट्स आने के लिए। दूसरा, प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं। अगर हम प्लान करके करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, तो हमारे प्लान्स चेंज नहीं होंगे, और कंसिस्टेंसी के बाद रिजल्ट्स आते हैं, उसके पहले कभी भी रिजल्ट्स नहीं आते। और कई बार ऐसा होता है कि हम बैठ के डिसाइड भी नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है,
तो जब ये सारा कंसिस्टेंसी नहीं रहती, हम कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूज माइंड कभी भी कोई एक्शन नहीं ले पाता है। तो कुछ समय के लिए हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। कोई अगर हम कोर्स करने जा रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंसली करके तो देखें, हमें रिजल्ट मिलते मिलते टाइम लगता है। जैसे राजा वहाँ ऊपर तक गया और राजा जब अगर वो रोज जाता तब उसकी बॉडी उस 80 इयर्स ओल्ड जैसे आदमी जैसे होती, एक दिन में जाके दो दिन में जाके कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा शब्द है कंसिस्टेंसी, लगातार, पर इसको करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। रिजल्ट आते आते, हमारी हैबिट बनते बनते टाइम लगता है। एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टुक ईयर्स। अगर वो उसको उस दिन छोड़ देते तो वो रोम कभी भी नहीं बन पाता। इसीलिए हमें लगातार लगातार काम पे अपने कंसिस्टेंटली, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, चाहे वो फिटनेस के गोल्स हों, चाहे आपके बिजनेस के हों, या आपकी लाइफ में कोई और प्लानिंग हो, जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे, इधर से उधर जंप नहीं करेंगे, कोई नया आइडिया आया उसमें कूद गए, कुछ नया आया वहाँ चले गए, तब तक हम जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड वेरी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हाउ कंसिस्टेंसी हेल्प्स यू। थैंक यू फॉर टुडे, होप यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। यू वर लिसनिंग टू सीमा।